लगातार ये बात कहते रहे अपने हाईकमान को कि नाराजगी है, काम नहीं हो रहे हैं, नजरअंदाजगी की जा रही है और बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियां बनी। भाजपा किस तरह से इस चीज को देखती है, हाईकमान को नजरअंदाज करना? आज के घटनाक्रम अगर पहले ये सुलझा लिया जाता तो आज ये घटनाक्रम नहीं होता। देखिए, हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, विधायक पार्टी के प्रमुख नेता एक बार नहीं अनेक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, विधानसभा के अंदर, सब जगह अपनी पीड़ा को जाहिर कर चुके हैं, लेकिन समाधान उस दृष्टि से अभी तक हुआ नहीं। और अभी भी पार्टी हाईकमान आई है, वही गीत गाया गया, इस बात से परेशान है, उस बात से परेशान है, और अभी भी उनको आश्वासन ही दिया गया है कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। और कोई बात नहीं ठीक होगा ये कहते कहते पार्टी की, कांग्रेस की हाईकमान का 14 महीने का कार्यकाल बीतने के बाद 15 महीने हो गया और उसके बावजूद भी अभी तक उसमें कोई समाधान नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। और इसलिए ये निराशा की, अगर नाराजगी की वजह और ये कदम इस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अगर उठाए हैं तो उसके लिए दोषी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दोषी है, इस बात को उनको समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही क्या अब आगे, क्योंकि 6 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है, उनकी सदस्यता रद्द की गई है, इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं, जब कट मोशन पर हमने वोटिंग मांगी, क्यों नहीं दी? क्योंकि बहुमत नहीं था। अगर उसी दिन बहुमत उसी दिन अगर वोटिंग दे दीजिए तो सरकार उस दिन गिर जाती। उसके बाद बजट पारित करने वाले दिन 15 विधायकों को सस्पेंड करने की वजह क्या रही? इसलिए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। बजट तभी पास हो पाता जब विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया जाता, इसलिए उन्हें निलंबित किया। वो तो सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अभी जो सारी बात को लेकर के जो आप पूछ रहे हैं उसमें भी यही, क्योंकि भाजपा के पास ये लोग कहां से आ गए, इतनी संख्या कैसे हो गई, 25 से 34 कैसे पहुंच गए, और इस बात को लेकर के चिंतित है। और आज भी मैं इसी बात को कह रहा हूं क्योंकि उनके पास बहुमत न पिछले कई दिनों से नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है, ये साबित हो गया। चाहे किसी तरह के ये फरमान करते रहे, किसी प्रकार के ये निर्णय करते रहे, किसी प्रकार के आदेश करते रहे, जनता के दिल और दिमाग से कांग्रेस की सरकार उतर चुकी है और अब तो कांग्रेस के विधायकों के, नेताओं के दिमाग और दिल से कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। ये 6 विधायक जो है ये भाजपा के साथ है? देखिए, मैं सारी बात को लेकर के उन्हें समर्थन दिया है, वो हमारे साथ ही होंगे स्वाभाविक। और भी कांग्रेस के कुछ विधायक आपके संपर्क में? सारी चीजों को लेकर के तब जब बात कहने की आवश्यकता रहेगी कहेंगे। बीजेपी